कैनेडा तो जबरी वतन वापसी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को कानूनी सहायता देवांगे। NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। ट्रैवल एजेंटा अते इमीग्रेशन एजेंसियां दे कागजा दी पड़ताल 10 जुलाई तक करन दे निर्देश। 15 जुलाई तो 30 अगस्त तक जिला पद्धर ते होणगियां NRI मिलनियां। प्रवासी पंजाबियां दियां सारियां शिकायतां 30 जून तक निपटाउण दे सख्त आदेश। 30 सितंबर तक नवी NRI नीति लियाउण दी योजना। मुख मंत्री भगवंत मान NRI विभाग दी नवी ते ज्यादा सुविधावां वाली वैबसाइट जल्द करनगे लोक अर्पित। हुण खबर विस्थार नाल। पंजाब दे NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि मुख मंत्री भगवंत मान दी अगुवाई वाली सरकार कैनेडा तो जबरी वतन वापसी दा सामना कर रहे 700 दे करीब विद्यार्थी नूं मुफ्त कानूनी सहायता देवेगी। इन्हां विद्यार्थियों ज्यादा पंजाब नाल संबंधित हन अते उन्हां नूं कैनेडा विच इमीग्रेशन कानूनां दे माहिर वकीलां वल्लों सहायता दिवाई जावेगी। इस दे नाल ही धालीवाल ने इन्हां विद्यार्थियों दा मसला हल करन लई कैनेडा दे पंजाबी मूल दे सारे MPs नूं भी चिट्ठी लिखी है ता जो बच्चियां दा भविख सुरक्षित कीता जा सके। स्थानक पंजाब भवन विखे NRI विभाग नाल जुड़े पूरे पंजाब दे सिविल अते पुलिस अधिकारियों नाल एक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी करदिआं कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इह आम वेखण विच आया है कि ठग ट्रैवल एजेंटां दे चुंगल विच बहुत सारे पंजाबी फस जांदे हन। बहुते लोग जिथे विदेशां विच खज्जल खुआर हुंदे हन उत्थे ही कईयां दा लखां रुपया भी खराब हो जांदा है। उन्हां सारे डिप्टी कमिश्नरां अते SSPs नूं हदायत कीती कि ट्रैवल एजेंटां अते इमीग्रेशन एजेंसियां दे कागजां दी पड़ताल करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जावे। उन्हां इस गल ते चिंता प्रगटाई कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट गैर कानूनी तरीके नाल इमीग्रेशन दा कम कर रहे हन। धालीवाल ने कहा कि मुख मंत्री भगवंत मान ने सिस्टम नूं सुधारन लई स्पष्ट निर्देश दित्ते होए हन। उन्हां कहा कि जेकर सिस्टम पारदर्शी ते साफ सुथरा होवेगा तां चोर मोरिया ते जालसाजी दी गुंजाइश बिल्कुल घट होवेगी। उन्हां कहा कि ठग अते जाली ट्रैवल एजेंटां इमीग्रेशन एजेंसियां खिलाफ जल्द पंजाब विच विशेष मुहिम चलाई जावेगी तां जो कोई भी व्यक्ति मनुखी समगलिंग विच शामिल ना हो सके। धालीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालां विच जेकर किसी प्रवासी पंजाबी नूं गलत मामले विच जानबूझ के फसाया गया है जां झूठे परचे दर्जे कीते गए हन तां उन्हां दे ध्यान विच लिआंदा जावे। अजिहे मामलिआं दी पड़ताल करवा के पीड़त धिर नूं इंसाफ दिवाया जावेगा। एक निवेकली पहल करदिआं इस वार NRI मिलनियां पहली वार पंजाब दे उन्हां पिंडां विच करवाईआं जाणगीआं जिन्हां पिंडां दे प्रवासियों ने अपने पिंडां विच चंगे कारज कीते हन जां जिन्हां प्रवासियों ने पंजाब दा नां कौमी जां कौमांतरी पद्धर ते चमकाया है। धालीवाल ने दस्या कि 15 जुलाई तो 30 अगस्त तक जिला पद्धर ते होण वालियां NRI मिलनियां लई प्रवासी पंजाबियों नूं अपनियां समस्यावां लै के आउण लई खुला सद्दा दित्ता जा रहा है अते कोशिश कीती जावेगी कि हरेक प्रवासी पंजाबी दियां मुश्किलां दा मौके उए ते ही हल कढ़िया जावे। उन्हां पुलिस अते सिविल अधिकारियों नूं सख्त शब्दां विच कहा कि प्रवासी पंजाबियों दियां जिहड़ियां शिकायतां दा हल हाले तक नहीं कीता गया उन्हां दा निपटारा हर हालत विच 30 जून तक कर दित्ता जावे। इस तो पहला करवाई गई NRI मिलनियां विच कुल 609 शिकायतां आईयां सन जिन्हां विचों 522 दा निपटारा कीता जा चुका जदकि 87 शिकायतां बाकी हन। कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी दस्या कि प्रवासी पंजाबियों दियां हर तरह दियां समस्यावां ते शिकायतां दा निपटारा करन लई 30 सितंबर तक नवी NRI नीति लियाउण दी योजना है। उन्हां कहा कि मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों सूबे नूं रंगला पंजाब बनाउण दे लई सुपने नूं पूरा करन विच प्रवासी पंजाबियों दे योगदान नूं अखों परोखे नहीं कीता जा सकदा। उन्हां दस्या कि मुख मंत्री भगवंत मान NRI विभाग दी नवीं ते ज्यादा सुविधावां वाली वैबसाइट भी जल्द ही लोक अर्पित करनगे। मीटिंग विच NRI विभाग दे प्रमुख सकत्तर दलीप कुमार, सकत्तर कनवल परीत बराड़, जलंधर डिवीजन दे कमिश्नर कम चेयरपर्सन NRI सभा जलंधर गुरप्रीत कौर सपरा, ADGP NRI विंग प्रवीण के सिन्हा अते समूर जिलियां दे नोडल। सारे मीडिया कर्मियों दा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी सारे जाने टाइम कढ के आयो अज क्योंकि NRI डिपार्टमेंट की मीटिंग सी। मेरे नाल NRI डिपार्टमेंट के प्रिंसीपल सैकटरी दिलीप कुमार जी, IS अफसर और साढ़े NRI विंग
पंजाब पुलिस के मुखी ADGP सना साहब दोनों बड़े अधिकारी जेडे मौजूद ने। एक मैं तुहानू बेनती करनी है कि असी किते मुड़ के जाना है, जिन्हें सवाल पूछना इत्थे पूछ लो, मतलब 1-on-1 जिहड़ी है वह दीजिए होड़ी। तो एक विषय तो बाहर गल नहीं जी होड़ी अज मतलब जरा ये ही आप गल करांगे, आप मतलब होर इधर उधर दियाँ वो फिर कितने कर लेंगे, ठीक है ना। सो असी मीटिंग की है, एक तो मतलब मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि जरा इस वेले मेन इशू है कि कनेडा दे विच जिहड़े अपने विद्यार्थी फसे है, तुसीं वी सारिआं ने देखिआ, और राती मेरी उन्हां नाल धरने दे उत्ते मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं उन्हां नाल मीटिंग की। उन्होंने मैनूं काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां दसियां कि उन्हां दी की प्रॉब्लम है, किदां होई है। और अज सवेरे मैं पंजाब दे एडवोकेट जनरल जी दे नाल मीटिंग की सी कि आपां उन्हां दा लीगली की जड़ी हेल्प कर सकते हैं। पंजाब सरकार थ्रू इंडिया गवर्नमेंट दे आपां कनेडा दे विच किदां उन्हां दी लीगली मदद करिए जिन्ना साडे बच्चों का भविख जिहड़ा बच जाए। सो असी एक तां मतलब यह तय किया कि हर संभव असी भारत सरकार दे राहीं कनेडा सरकार कोलों यह मसला जिहड़ा उठावांगे कि किसी भी हालत जो विद्यार्थियों ने हुण चार चार पांच पांच साल पढ़ के डिग्रियां लै लिया सब कुछ लै लिया उन्होंने वापस इंडिया जिहड़ा ना भेजा जाए। ये असी पंजाब सरकार वालों एडवोकेट जनरल जी की मैं असी दोवां ने बैठ के डिसाइड किया कि एक जिहड़ा पैनल है वकीलों का एडवोकेट्स का जिहड़ा पैनल है जिहड़ा उत्थे है कनेडा दे विच, इत्थे नहीं कनेडा दे जिहड़े वकील इमीग्रेशन का काम करते हैं उन्हां दा पैनल जिहड़ा वो असी तैयार करांगे। कुछ वकील जिहड़े मैं तुहानूं इह दसणा चाहुंदा कि वो आप खुद बिना कोई फीस लिया मतलब जिहड़ा वो इन्हां स्टूडेंटां दी पंजाब सरकार दे तरफों हैल्प करन लई जिहड़े तैयार होए कि असी मदद करांगे जी, असी इन्हां दा केस जिहड़ा लड़ांगे। उस तो बाद असी एक लैटर जिहड़ी है अज कनेडा दी गौरमेंट नूं भी मैं लिखी है, कनेडा दे जिहड़ा इमीग्रेशन उन्हां दा जिहड़ा मंत्री है उन्हूं मैं लिखिया कि इन्हां बच्चों की ये नीतन कोई फेक पेपर ला के नहीं आए, इन्हां नाल फराड होया, इन्हां नाल धोखा होया, ये बच्चे पढ़न आए सीगे। जे वह नीतन इस काम लिए गए होंगे कि उन्होंने कनेडा दे विच सैट होना तो उदन दे ही वो यूनिवर्सिटियां कॉलेजां दे धक्के ना खांदे, फीसां ना भरदे, उदन दे कोई होर रस्ता अख्तियार कर लेंदे जहाज तो उतर दे अनुसार। जो पढ़े आ सारा कुछ है तो फिर उन्हां दा केस जरा ध्यान ना सुनिया जाए, उन्हां दी कोई उहदे च सानू लगी नहीं जिनी मैं भी गल की। इत्थों तक बच्चे ने कहा जी जे कोई साडा फॉल्ट है, जे कोई साडे च साडे जिहड़े कागज है वह कहते जी असी कनेडा की मैसेज वीजा लैके आए, उदा नहीं आए, साडिया इंटरव्यू हुई, साडा कल्ला कल्ला पेपर चैक होया, फिर जो एयरपोर्ट से उतर के कनेडा दे इंटर होए उदों भी उन्होंने हर पेपर की छानबीन हुई है, फिर जो उन्होंने कॉलेजों में पढ़ाई की है उदों भी उन्होंने हर पेपर की छानबीन हुई है। तो कहते भी हुण साडे नाल इह किद्दां हो गया, सानूं समझ तो बाहर है, पर बच्चे बेचारे साडे बच्चे साडियां धीआं राती मैं देखिया सड़क दे बैठे नारे मार रहे सीगे, ते उन्होंने भी बेचारे ने कहा जी देखो जे साडे चो जिहड़ा कोई गलत है, मन लो तुहानूं लगता कि असी कोई गलती कीती है, जे साडे चो कोई गलत है तो सानूं तुसीं गलत नूं गलत कहो ना, बाकी जिहड़ा कोई ठीक है जिन्हें पूरा प्रोपर चैनल आया तो उहदी मत जिहड़ी तुसीं करो। उन्होंने मैनूं कहा जी तुसीं साडी इह भी हैल्प करो कि जिहड़े कनेडा दे विच साढ़े भारतीय MP पंजाबी MP जिहड़े उन्होंने भी रिक्वेस्ट करो कि साढ़े साड़ी जिहड़ी वह बांह फड़न। सो मैं अज सवेरे जिहड़े उत्थे साढ़े MP ने जिहड़े सुख धालीवाल जी ने, मिस्टर रणदीप सिंह MP ने, परम बैंस ने,
हरजीत सज्जन एम पी ने, मिस्टर जॉर्ज चाल एम पी ने, मिस्टर टिम उप्पल एम पी ने, मिस्टर जसराज हिलन एम पी ने, मिस्टर अनीता मिस अनीता आनंद ओ भी एम पी ने, मिस्टर महिंदर सिंह मनिंदर सिंह ओ भी एम पी ने, ते मिस कमल खैरा ओ भी एम पी ने, मिस सोनिया सिद्धू ओ भी एम पी ने, मिस रूबी सोता ओ भी एम पी ने। मैं उन्होंने भी पंजाब सरकार वालों एक लैटर जी वो लिखी है, ईमेल की है सवेरे भी तुसी इन्हां बच्चों के भविख लई कनेडा सरकार दे नाल जी वो गल करके इन्हों का भविख जरा सुरक्षित किया जाए। सो मैं तुहानू कहना चाहुंदा कि असी मतलब सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जी साडे जिहड़े बच्चे उत्थे फस गए आ जिन्हां दे मतलब सिर दे उत्ते इमीग्रेशन की तलवार जी लटक रही है, उन्हां दी जो भी संभव होगी हर तरह ही मदद करांगे। एक तो इशू आ ये असी विचारिया ते असी कीता। दूजा असी मतलब तुहानू दसना चाहुंदे आ कि तुहाडे सामने असी पिछले दसंबर दे विच अपने एन आर आई डिपार्टमेंट वालों एन आर आई मिलनियां कीतियां सीगियां एन आर आई दीआं समस्यां वास्ते, उन्हां दीआं समस्यावां जिहड़ियां वो हल कीतियां जाण। असी पंज एन आर आई मिलनियां पंजाब दे विच कीतियां सीगियां और साडे को टोटल 609 केस आए सीगे, ते अज असी रिव्यू कीता कि असी 522 केस जिहड़े आ हुण तक मतलब हल करते और साडे को 87 केस बाकी दे जिन्हां दी इक अड़िका ये है कि वह कोर्टा दे विच ने, कोई सिविल कोर्ट च आ, कोई हाई कोर्ट च आ, कोई किते आ। असी वल्लों पूरा इस गल दा रिव्यू कीता, नाल ही असी तय किया कि असी हुण अगले महीने तो फिर दोबारा, क्यों असी उदों ही वादा किया सीगा, असी अगले महीने तो दोबारा जिहड़ा सर 15 जुलाई तो लैके 30 अगस्त तक जिहड़ा जिलावार एन आर आई मिलदियां करांगे। अगे आपां 5 जोन बनाए सीगे पर हुण साडी टीम जिहड़ी हर जिले च जाऊगी और 15 जुलाई इस करके रखी है कि जे एक महीना सवा महीना जिहड़े साडे कोई एन आर आई वीर बाहरों भी आना चाहन अपना केस रखना चाहन उन्हां को टाइम होवे छुट्टी लै सकन वो अपनी टिकट करा सकन। सो 15 जुलाई तो लैके असी वाल जिहड़ा 30 अगस्त तक मतलब सारे पंजाब दे च एन आर आई मिलनियां करांगे और असी ये जिहड़ी जगह की चोण करांगे, ये जगह की चोण करांगे जिहड़े एन आर आई भरावां ने जिन्हां पिंडां दे च विकास कीता वो विकास भी लोगों को दिखावांगे कि साढ़े एन आर आई वीर ने किदां दे होस्पिटल बनाए। पंजाब के बहुत सारे पिंड आ जिथे सीवरेज सिस्टम जिहड़ा वो बहुत टॉप का बनया, हस्पताल बने, स्कूल बने। सो असी वो जगह लकेट करांगे अरका एन आर आई मिलनियां लई शहरां दी बजाय असी पिंडां च जावांगे, क्योंकि साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी कहिंदे आ कि पिंडां चों जिहड़ी सरकार वो चलूगी, सरकार तुहाडे द्वार जिहड़ी आ वो खुद चल के असी उत्थे मतलब जावांगे। ये असी एक मतलब तय किया, एक असी तय किया कि जिहड़ा केस होया कनेडा दा इहदे च इमीग्रेशन एजेंसियां दा जिहड़ा फाल्ट है, जिहड़ा उन्होंने धोखा किया, और एक पर्चा भी होया एक बंदा जलंधर का जिहड़ा एक एजेंसी है उहदे खिलाफ असी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और नाल असी सारे पंजाब दे हदायत की अपने जिहड़े नोडल अफसर ने कि 10 जुलाई तक सारी जांच की जाए कि पंजाब दे टोटल किन्नियां एजेंसियां ने की आया, वो देश दे ते पंजाब दे कानूनां नूं फॉलो कर रही ने, जिहड़े कानूनां दे तहत यह एजेंसियां बनदियां उन्हां नूं की वो फॉलो कर रही। असी 10 जुलाई तक सारे पंजाब दे विच अज ड्यूटी लाई है कि इन्हां नूं चैक करो कित्थे 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 कोई गलत काम हो रहा, जे कोई गैर कानूनी काम कर रहा होगा मनुखी समगलिंग का तो उहदे खिलाफ़ असी सख्त जिहड़ी है वो कार्रवाई करांगे। जिहड़ी वल दो तरह के लोग ने, एक तो वो जिहड़े